प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के संस्थापक प्रबंधक हैं। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के पद चिन्हों पर चलने वाले डॉक्टर गांधी ने 1956 में सिर्फ 5 बच्चों के साथ इस स्कूल की शुरुआत की। उनकी लगन और मेहनत का नतीजा ही कहिए और 50,000 से भी ज्यादा छात्रों वाला ये स्कूल विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है। 1999 से इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। डॉक्टर जगदीश गांधी का जन्म 10 नवंबर 1936 को अलीगढ़ जिले के बारसोली गांव में हुआ। वो लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम है और विश्व के अनेक देशों ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट प्रदान की है। लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान वो सोशल एक्टिविटीज में भी शामिल रहे। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए। इस दौरान वो स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुने गए। शादी के बाद पत्नी के साथ मिलकर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल खोला। विश्व शांति के लिए उनकी कोशिशों को अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने सराहा और सम्मानित किया। डॉक्टर गांधी सामाजिक गतिविधियों में लगातार शामिल रहे। 1959 से 1964 के दौरान वो उत्तर प्रदेश नौजवान संघ के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 1960 से 1965 के दौरान वो उठो जवानों के संपादक भी रहे। 1961 से 1973 के बीच वो ऑल इंडिया चिल्ड्रन एंड यूथ फेस्टिवल के संस्थापक और महासचिव रहे। साथ ही 1962 से 1965 के बीच वो सहायक जिला स्काउट आयुक्त भी रहे। दुनिया भर के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए परिवर्तनीय अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए अभियान चलाने के लिए उन्हें 21 अगस्त 2012 को विधि के क्षेत्र में मानद उपाधि भी दी गई। मार्च 2014 में उन्हें यूपी सरकार ने यश भारती सम्मान से भी नवाजा। शांति आधारित शिक्षा के लिए उन्हें साल 2011 में प्रतिष्ठित कूसी शांति पुरस्कार और साल 2002 में यूनेस्को की ओर से सम्मानित किया गया। देखो, हमारे पास ये तार है। ये तार को आप देखें तो ये तार, क्या फोटो ले सकते हैं आप? इसको पावर हाउस से जोड़ दें तब भी ले सकते हैं। इसकी खाल को हम उतार दें तब भी फोटो ले सकते हैं। मेटल वायर आ जाएगा लोहे का, लेकिन मेटल वायर में ऊर्जा है कि नहीं इसका हम पता नहीं लगा सकते, हो तब भी और ना हो तब भी। इसका पता कब लगेगा? इस तार को यदि हम पावर हाउस से जोड़ दें, पंखा चल गया, तब पता लगता है कि ये पंखा इसलिए चल गया है कि पावर हाउस से तार जुड़ा हुआ है। इसे हम बल्ब जला दें तो पता लगता है कि पावर हाउस से जुड़ा हुआ है। इसे हम बड़ा बल्ब लगा दें तो लगता है कि ये पावर हाउस से जुड़ गया है। प्यारे बच्चों, इसी तरह इस तार से फोटो लेने से नहीं पता लगेगा। जब उपयोग में लाएंगे और उपयोग से काम चलेगा तो हम कहेंगे कि ये जुड़ा हुआ है। इसी तरह इंसान का फोटो आप ले सकते हैं। आप इसकी खाल को उतार दें तो हमारी हड्डियां और पसलियां और जो मांस है उसका फोटो ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं तलाश कर सकते कि हमारा मस्तिष्क ईश्वर से जुड़ा है कि नहीं। ये कब पता लगेगा? वो हमारे कार्यों से। यदि हमारे कार्य अच्छे हैं तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है, और हमारे कार्य खराब हो गए तो फिर हम कहेंगे ये व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम सबको अपने आप को ईश्वर से जोड़ना है और हमारे अच्छे अच्छे कार्य जीवन में करें तो ये हमारी पहचान बने। इस तरह से हमें अपनी शिक्षा को प्राप्त करना है। देखो, एक बालक बैठा है, ये स्कूल है और ये हमने दिव्य लोक बना दिया। ऐसा कोई लोक है नहीं, लेकिन वहीं से ये किताबें आई हैं इन अवतारों की आत्मा में। गीता आई 5,000 वर्ष पूर्व कृष्ण की आत्मा में, न्याय का संदेश दे गई। 2,500 वर्ष पूर्व त्रिपिटक आया बुद्ध की आत्मा में, इक्वलिटी का संदेश दिया, सब समान है, सब में ज्ञान दिया। 2,000 वर्ष पूर्व बाइबल आई यीशु मसीह की आत्मा में, करुणा का संदेश दिया। 1,400 वर्ष पूर्व होली कुरान शरीफ आई,
मोहम्मद साहब की आत्मा में, तो ये भी बच्चे को चाहिए। और इसमें था खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी धरती का रब, सभी खुदा के बंदे हैं, एक अल्लाह ने सबको बनाया, तो भाई भाई हैं, तो भाईचारे की शिक्षा दी। नानक जी की आत्मा में 550 वर्ष पूर्व ये संदेश आया, और कहते हैं वो अब्बल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे और एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। और नानक नाम चढ़दी करा, कब जब तेरे भाने सर्वत्र दबरा, तो सारी सृष्टि की भराई करेगा, तब नानक का नाम तुझे ईश्वर को ले जाएगा। क्यों? कि एक नूर थे सब जग उपजा, एक परमात्मा से ये सारा जग उत्पन्न हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये शिक्षाएं नानक जी। और 200 वर्ष पूर्व बाउल्ला की आत्मा में एकता का संदेश आया। अब उनकी तस्वीर नहीं है तो हमने उनके बेटे की अब्दुल बहा की तस्वीर लगाई है, जो उनकी शिक्षाओं के इंटरप्रेटर थे। तो उनका था हृदय की एकता। तो ये सारे गुण हमें लेने हैं ताकि बच्चा हमारा टोटल क्वालिटी पर्सन TQP बने, और टोटल क्वालिटी मैनेजर TQM बने, ताकि बड़े होकर डिवाइन सिविलाइजेशन धरती पर स्थापित कर सके। देखो आप, बच्चे के 3 क्लासरूम होते हैं। क्लासरूम पहला है होम। तो होम में माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है, सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। द फैमिली द प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करता है, मिलजुल करके प्रगति करता है। अब इस घर में आप देखें तो गीता भी है, बाइबल भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है। और इस घर के ऊपर आप देखें तो परमात्मा का प्रकाश है, और दिव्य अवतार सभी का प्रकाश यहाँ आ रहा है। इस घर में सभी अवतारों का आदर किया जाता है। तो 21वीं शताब्दी, ये वर्तमान शताब्दी है, उसका घर इस तरह का होना चाहिए। और स्कूल क्या है 21वीं शताब्दी में? स्कूल इज द लाइट ऑफ द सोसाइटी। यदि लाइट ऑफ द सोसाइटी नहीं है तो डार्क ऑफ द सोसाइटी बन जाएगा। या तो विद्यालय प्रकाश का केंद्र होगा या अंधकार फैलाने का केंद्र बनेगा। तो स्कूल इज द लाइट ऑफ द सोसाइटी काहे के लिए? टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। तो प्यारे बच्चों, स्कूल है, इसमें पढ़ाई भी हो, प्रार्थना भी हो, नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन, एलोक्वेंट स्पीच और यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स, ये 8 गुण हमें अपनाने। समाज है, ये क्लासरूम नंबर 3 है, समाज से बच्चा सीखता है। तो समाज में भी हमें ये फैलाना है, सिखाना है। अब तो सीखता क्या है कि सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं, और ये सारे संत और महात्मा भी उसी एक परमात्मा का ध्यान करें जो एक परमात्मा से आया है। प्यारे बच्चों, भगवान का कोई नाम नहीं है। ये नाम कहाँ से आए? भगवान, अल्लाह, ईश्वर, उसका कोई जन्म ही नहीं हुआ, उसका कोई माता पिता नहीं है। जब जन्म नहीं हुआ, माता पिता नहीं है, तो नाम कौन रखे? नाम तो तब रखा जाता है जब किसी का जन्म होता है। परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता, क्यों? तो जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। तो परमात्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। परमात्मा तो परम तत्व है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा था, और जब सृष्टि बन गई तब भी परमात्मा है, और ये प्रलय कर दे परमात्मा, सब कुछ नष्ट कर दे, तब भी परमात्मा रहेगा। परमात्मा कभी नहीं जाता, उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु भी नहीं होगी, और जन्म ही नहीं हुआ, उसके कोई माता पिता नहीं है, तो उसका कोई नाम कौन रखे? इसलिए उसका कोई नाम नहीं है। परमात्मा आत्म तत्व है, रूह है, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन लोगों ने उसकी प्रार्थना करने के लिए, इबादत करने के लिए एक नाम रख लिया। अंग्रेजी जानने वालों ने उसका नाम गॉड रख लिया, अरबी जानने वालों ने उसका नाम रब या रब्बुल आलमीन रख लिया, उर्दू जानने वालों ने उसका नाम अल्लाह या खुदा रख लिया, हिंदी जानने वालों ने उसका नाम भगवान या ईश्वर रख लिया, गुरमुखी जानने वालों ने उसका नाम
गुरु रख लिया। तो प्रिय बच्चों, ये उसका कोई नाम नहीं है। झगड़ा कितना होता है, अरे तेरा भगवान बड़ा है कि मेरा अल्लाह बड़ा है। मेरा भगवान अल्लाह तो एक ही बात है। देखो ये पानी है, इसको आप पानी भी कहें, कई लोग इसे वाटर कहते हैं, कई लोग इसे जल कहते हैं, कई लोग इसे आग कहते हैं, और इसके तो लाखों नाम है। हर भाषा में एक नाम है, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, लाखों भाषाएं संसार में, लाखों नाम है। इसी तरह परमात्मा के हर भाषा में एक नाम, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, सब में एक नाम है। प्यारे बच्चों, तो ये समाज में भी ये जो दूरियां हो गई हैं, ये अज्ञानता के कारण है। तरह तरह के टोपे, टोपियां, दाढ़ी मूछे लगा के हम साबित करें कि हम कितने फर्क हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आज इसकी आवश्यकता है कि हम सब सारी दुनिया को बताएं कि हम सब एक हैं। यहां पर एक बल्ब है, देखो ये बल्ब पावर हाउस से जुड़ा तो रोशनी आ गई, और ये तार टूट गया तो इसमें अंधेरा आ गया। अब एक बालक है, देखो ये बालक जो है दिव्य लोक से जुड़ गया, ये परमात्मा का लोक है जहां से गीता, त्रिपिटक, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, किताब एक दस सब यहीं से आई। तो क्या बनेगा बालक? रैशनल, वाइज, गॉडली, गुड, टोटल क्वालिटी पर्सन, TQPN, टोटल क्वालिटी मैनेजर, लाइक ए डिवाइन एंजल, ए गुड ह्यूमन बींग, द ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी। और कहीं ये तार टूट जाए, किसी एक धर्म से जुड़ जाए, तो बच्चा क्या बन सकता है? इरेशनल, अविचारवान, अनवाइज, अबुद्धिमान, अनगॉडली, अनिश्वरीय, बैड, बुरा, टोटली मिसगाइडेड हो सकता है, टोटली मिसगाइडेड पर्सन, TMP, टोटली मिसगाइडेड मैनेजर, TMM, लाइक एन एनिमल, ए बैड ह्यूमन बींग, इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्दी, एन अनएक्सेप्टेबल सोसाइटी। ये बार्किंग डॉग इनका गुरु है। ये है धर्म के प्रति अज्ञान। तो ये जो धर्म है, मारो मारो मारो, कत्ल करो, खून खराबा करो, ये धर्म नहीं है। परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तो इस सृष्टि में परमात्मा ने पशु योनि बनाई, फिर मानव की योनि बनाई, और मानव की योनि के लिए धर्म बनाया, धर्म स्थापित कर दिया। पहला उपदेश परमात्मा ने एडम और ईव को ये दिया, जो हमारी फोर फादर थे, जिनकी सारी सृष्टि के लोग जिनकी संतान है। तो पहला ही उपदेश दिया कि देखो, मैंने तुम्हें पति पत्नी बनाया, मैं चाहता हूँ कि बच्चे पैदा हों और यहाँ किलकारी मारें, मेरा घर खूब मैं आबाद करना चाहता हूँ, परमात्मा की मर्जी, इसलिए मैंने अपने घर को जरा बच्चे चाहता हूँ। तुम्हारे लिए धर्म होगा। अब क्या धर्म? धर्म माने कर्तव्य। तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, तुम दोनों एकता में रहना, प्यार में रहना, एकता और प्रेम, बस। और ये बात गूढ़ रहस्य मेरा तुम अपनी संतानों को बता देना, और उनसे कहना कि वो अपनी संतानों को बताएं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये धर्म शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, न कभी बदला है, ये ईश्वरीय धर्म है, न बदलेगा। सब में प्रेम और एकता हो, बस, एकता और प्रेम, यही धर्म होगा तुम्हारा। लेकिन यदि एकता और प्रेम में कमी आएगी तो दुख बढ़ेंगे। पति पत्नी में एकता में और प्रेम में कमी हुई तो दुख बढ़ जाएंगे, बच्चे अच्छे तरीके से परवरिश नहीं कर पाएंगे, और बच्चों में भी दूरियां बढ़ने लगेंगी, समाज में भी दूरियां बढ़ जाएंगी, फिर मारामारी होगी, कत्लेआम होगा, खून खराबा होगा, युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, बम बनेंगे, बहुत विनाश हो सकता है। तो जब परमात्मा के धर्म को हम नहीं मानते हैं तो यही होगा। ये सारे धर्मों का द बेसिक पर्पस, देखो यहाँ लिखा हुआ है, द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंगस्ट मैन। तो हर धर्म का एक उद्देश्य है, द बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, उनके हितों की रक्षा और मानव मात्र की एकता।
एंड टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप। बच्चों आपस में क्या हो, सब में प्रेम और सद्भाव। हर धर्म का जितनी किताबें, इन सब का एक ही उद्देश्य है, मानव मत की एकता और प्रेम। लेकिन वो ही नहीं कर रहे, उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि ये इरेशनल, अविचारवान, अनवाइज, अबुद्धिमान, अनगॉडली, अनिश्वरी, बैड, टोटली मिसगाइडेड बन चुके हैं। TMPN टोटली मिसगाइडेड मैनेजर, TMM लाइक एन एनिमल बन गए। ए बैड ह्यूमन बींग इज अ कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्दी एंड एक्सेप्टेबल। तो प्यारे बच्चों, हमें एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान वही है जो ईश्वर की आज्ञाओं को जाने और उस पर चले। तो हमारी जो प्रार्थना है वो यही है कि ईश्वर की आज्ञाओं को जाने उस पर चले। प्यारे बच्चों, प्रदेशवासियों तथा देशवासियों, आज भारत अपना 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज की महत्ता यह है कि आज के सजीव लोकतांत्रिक भारत की बुनियाद जिस संविधान के अधिनियमों व शर्तों को मानकर रखी गई है, वह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतया तैयार हुआ था। तब 26 जनवरी 1930 को जब पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, उस दिवस को समर्पित 26 जनवरी की तारीख 1950 में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला भारत का संविधान देश पर लागू किया गया। लखनऊ का सिटी मोंटेसोरी स्कूल, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुका है, वह संविधान के आर्टिकल 51 की भावना को बच्चों व समाज में प्रवाहित करने में निहित प्रयासरत है, जिस वजह से उसे 2002 में यूनेस्को अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उस स्कूल के बच्चों ने 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस सुअवसर पर CMS की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा, हमें अपने पर्यावरण का ख्याल रखने की जरूरत है और वायु व जल प्रदूषण की समस्या का हल जल्द तलाशना चाहिए। आज जब हम अपने वाइब्रेंट गणराज्य के नए साल में कदम रख रहे हैं, तब सहभागिता, समावेशन, क्रियान्वयन और इनोवेशन को अपना मंत्र बनाना जरूरी है। बहुत खुशी का दिन है और ये दिन हमें याद दिलाता है, जैसे अभी मम्मी ने बोला कि महात्मा गांधी ने क्या दिलवाया था और हम सभी ने कहा आज़ादी दिलवाई थी। तो आज़ादी तो हमें मिली अंग्रेज़ों से, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों से अभी आज़ादी नहीं मिली है। जैसे सबसे ज़्यादा गरीबी से आज़ादी हमें अभी नहीं मिली है और जेंडर इक्वालिटी अभी हमारे समाज में नहीं आई है, पुरुषों और महिलाओं की समानता। हमारे समाज में अभी काफ़ी वायलेंस है। हमें इन चीज़ों से भी आज़ादी चाहिए। तो जब हम लोगों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला, तो हम लोगों ने एक अपने को सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्वराज्य की इच्छा थी, उसके लिए बहुत त्याग भी किया, बहुत सारे लोगों ने बलिदान किया, बहुत सारे लोग जो हैं वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए निकले और उनको मारा भी गया, और बहुत त्याग और बलिदान से आज़ादी मिली। तो हर एक के अंदर एक वो होता है कि सेल्फ ऑटोनोमी की इच्छा होती है, तो हमारे में भी इच्छा थी कलेक्टिवली, और उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सैक्रिफाइस करके, बहुत ज़्यादा त्याग करके, बलिदान करके, ये सैक्रिफाइस करके ये अर्जित की। लेकिन इसका माने ये था कि हम लोगों ने अपने शोल्डर्स पे ये जिम्मेदारी ली कि हम अपने देश का विकास स्वयं करना चाहते हैं, लेकिन हम विकास करने में इतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना हमें बढ़ना चाहिए। और देशों के मुकाबले में जो हमारी जो इंडेक्स है, डेवलपमेंट के इंडेक्सेस हैं कई पैरामीटर्स में, उसमें हम इतने ऊंचे नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। हमारे लोगों की क्षमता दुनिया में हर एक जने से किसी से कम नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम्स इतने अच्छे अभी हम लोग नहीं बना पाए हैं कि हम उस क्षमता को जो है वो गार्नर करके उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको हम इंजॉय कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज के दिवस हमारे सभी स्कूल में, नॉट जस्ट सिटी मॉन्स्टी स्कूल, नॉट जस्ट लखनऊ, पूरे देश में सभी स्कूल में ये जो है हम लोग अपने आप को रिमाइंड कराएं कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसी और को भगा देना। आज़ादी का माने ये भी कि हम विकास की ओर अग्रसर हों और बहुत तेज़ी से अग्रसर हों।
प्रदेश के गणतंत्र दिवस समारोह में सीएमएस के 18 कैंपसेस के बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। आइए देखें इसकी एक झलक। सिटी मोंटेसोरी स्कूल कानपुर रोड कैंपस के बालक बालिकाएं बैकपाइप बैंड की मनोरम धुन बजाते हुए सिटी मोंटेसोरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस के बालक कदम से कदम मिलाते हुए सिटी मोंटेसोरी स्कूल गोमती नगर प्रथम कैंपस के बालक बालिकाएं बैक पाइप बैंड द्वारा देशभक्ति की सुरीली धुन बजाते हुए सिटी मोंटेसोरी स्कूल गोमती नगर प्रथम कैंपस की बालिकाएं मुस्तैदी व चुस्ती के साथ सिटी मोंटेसोरी स्कूल कानपुर रोड कैंपस का ब्रास बैंड सिटी मोंटेसोरी स्कूल महानगर कैंपस के बालक देश विदेश के रंग बिरंगे झंडों के साथ फ्लैग मार्च करते हुए परेड के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अपनी छटा बिखेरते हुए सिटी मोंटेसोरी स्कूल अलीगंज द्वितीय कैंपस के बालक बालिकाओं ने वंदे मातरम नृत्य प्रस्तुत किया। ओ मेरे देश दा रंग सुनहरा एदे मत्थे हिमाले प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन बान शान या की जान गाहो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव या की हार का वो घाव तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो काल तुम ये सोच लो सिटी मोंटेसोरी स्कूल चौक कैंपस के बालक बालिकाओं ने पर्यावरण ड्रिल द्वारा सुरक्षित पर्यावरण की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ओफो, कितना प्रदूषण है, सांस लेना मुश्किल है। पर्यावरण से प्रदूषण को दूर भगाएंगे, सभी तरह के
शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।